हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बायो एनर्जी या जैव ऊर्जा के बारे में। मानव की आवश्यकताओं में सुधार के साथ साथ या मानव की जीवन प्रणाली के अंदर सुधार हुआ है, उसके साथ साथ ही ऊर्जा की खपत भी बढ़ी है। किसी भी देश की प्रगति को हम ऊर्जा की खपत से माप सकते हैं, या मैं कह सकता हूँ ऊर्जा की खपत किसी भी देश की प्रगति का सूचक है। दूसरे शब्दों में मैं कह सकता हूँ सकल राष्ट्रीय उत्पादन ऊर्जा खपत के समानुपाती होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस चैप्टर के अंदर, जिनको चैप्टर को एक्सप्लेन करने से पहले आपको समझना होगा। तो अभी बात कर रहे हैं हम जैव ऊर्जा की या बायो एनर्जी की। तो बायो एनर्जी क्या है? सकल राष्ट्रीय उत्पादन ऊर्जा की खपत के समानुपाती होती है। अब हम बात करेंगे जैव ऊर्जा का क्या मतलब है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो हमें विभिन्न स्रोतों से ऊर्जा प्राप्त होती है। कुछ नवीकरणीय स्रोत हैं। सबसे पहले हम बात करें जैव ऊर्जा, इट मीन्स बायो एनर्जी। तो हम बात करेंगे कई प्रकार के स्रोतों से हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं। एक तो हैं अनवीकरणीय स्रोत। अनवीकरणीय स्रोत, डियर स्टूडेंट्स, नाम से पता लग रहा है अनवीकरणीय, इट मीन्स इनका नवीनीकरण हम नहीं कर सकते हैं, इनका नवीनीकरण नहीं किया जा सकता है। प्रकृति में इनकी जो मात्रा है वो निश्चित है, ये हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं और इनकी मात्रा प्रकृति में निश्चित है। इनकी हम खपत लगातार कर रहे हैं, इनका उपयोग लगातार कर रहे हैं, अर्थात एक दिन ऐसा होगा, यानी एक दिन इनका अंतिम दिन होगा, यानी उस दिन के बाद ये खत्म हो जाएंगे और भविष्य में नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये करोड़ों वर्षों में प्रकृति के अंदर बनते हैं या पैदा होते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, कोयला और प्राकृतिक गैस। तो अभी हम बात कर रहे हैं ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों की, ऐसे अनवीकरणीय स्रोतों की, ऐसे स्रोत जिनका नवीनीकरण संभव नहीं है, इनकी मात्रा प्रकृति में निश्चित है, इनकी खपत लगातार होती गई तो एक दिन इनका अंतिम दिन होगा, जैसे पेट्रोल, डीजल, कोयला और प्राकृतिक गैस, इनसे हम एनर्जी लेते हैं। लेकिन कुछ स्रोत ऐसे भी हैं जो नवीकरणीय स्रोत माने जाते हैं, इनको हम लंबे समय तक यूज कर सकते हैं, इनका हम नवीनीकरण कर सकते हैं, ये कभी भी खत्म नहीं होंगे, ऐसे स्रोत हैं और लंबे समय तक मानव की आवश्यकताओं के लिए ऊर्जा इनसे हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे पन बिजली हम कहते हैं, पानी से बिजली बनाई जाती है, जैसे हम पन बिजली कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पवन ऊर्जा होती है, वायु से हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं जिसे पवन ऊर्जा कहते हैं। समुद्री ऊर्जा होती है, उससे समुद्र की लहरों से या तरंगों से भी हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं। जैसे सूर्य है, ये भी ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, ये कभी भी खत्म ना होने वाले स्रोत हैं जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो अगर मैं ऊर्जा की बात करूं तो दो प्रकार के ऊर्जा के स्रोतों की बात करूं तो दो प्रकार के स्रोत हुए ऊर्जा के, एक तो नवीकरणीय और एक अनवीकरणीय स्रोत। लेकिन चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना है जैव ऊर्जा। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसे कौन कौन से साधन हैं जिनसे हमें जैव ऊर्जा प्राप्त होती है? तो सबसे पहले हम प्लांट्स के बारे में बात करेंगे, यानी जैविक साधनों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला है वो है जैव भार, यानी पेड़ पौधों से भी हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं, वृद्धि करते हैं और अनेक प्लांट्स ऐसे हैं जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो जैव भार के अंदर हम बात करेंगे सबसे पहले लिग्नोसेल्युलोज की। किसकी बात करेंगे? लिग्नोसेल्युलोज, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। और कई प्लांट्स ऐसे हैं, ये जो पॉइंट्स हैं ये मैंने अलग से एक्सप्लेन इसलिए किए हैं क्योंकि इन पे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो वो आपसे पूछ सकता है लिग्नोसेल्युलोज युक्त पादप, ऐसे प्लांट्स जिनसे हमें लिग्नोसेल्युलोज प्राप्त होता है और जिससे हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं, कौन कौन से? तो यूकेलिप्टस, यूकेलिप्टस जो हाईवे की साइड में खड़ा होता है, सबसे लंबा प्लांट यूकेलिप्टस होता है। सफ़ेदा जिसे हम कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर, बहुत ही लंबा होता है, 150 मीटर तक इसकी ऊंचाई हो सकती है। तो यूकेलिप्टस का यूज हम आज लिग्नोसेल्युलोज के रूप में कर रहे हैं। इसके अलावा चीड़ एक प्लांट होता है, चीड़ का, मक्का का, चुकंदर का, ये ऐसे प्लांट्स हैं, गन्ना हैं, ये ऐसे प्लांट्स हैं जिनसे हमें लिग्नोसेल्युलोज प्राप्त होता है, जिसका यूज हम जैव ऊर्जा के रूप में करते हैं। नेक्स्ट हम इसी को समझते हुए कुछ पॉइंट्स हैं, इनको मैं क्लियर करूँगा जिनसे हमें जैव ऊर्जा प्राप्त होती है। उसके बाद हम बात करेंगे बायोडीजल प्लांट्स की। किसकी बात करेंगे? बायोडीजल प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जिनसे
भविष्य में डीजल बनाया जाएगा उन्हें हम बायोडीजल प्लांट्स कहते हैं, या डीजल की तरह जो यूज किए जाएंगे उनसे जो सब्सट्रैक्ट प्राप्त होता है वो डीजल की तरह यूज किया जाएगा, जिनसे जो तरल पदार्थ प्राप्त होता है वो डीजल की तरह यूज किया जाएगा, इसलिए इनको बायोडीजल प्लांट्स कहते हैं। इन प्लांट्स की खोज सबसे पहले रुडोल्फ डीजल ने की थी। किसने की थी? रुडोल्फ डीजल ने की थी, इसलिए इसको हम बायोडीजल कहते हैं। सबसे पहले हमको बायोडीजल को समझना होगा कि वास्तव में बायोडीजल क्या होता है। तो मैं कह सकता हूँ बायोडीजल वसीय अम्लों का एस्टरीकरण करने से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? वसीय अम्लों का एस्टरीकरण। अगर हम वसीय अम्लों का एस्टरीकरण कर दें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर हम वसीय अम्लों का एस्टरीकरण कर दें तो हमें बायोडीजल, जो तरल पदार्थ होता है वो बायोडीजल कहलाता है। अब मैं बात करूंगा बायोडीजल का रासायनिक नाम क्या होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहां से आपको समझना होगा बायोडीजल का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है वसा अम्ल मैथिल एस्टर। क्या होता है? व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ बायोडीजल? तो क्या होता है? वसा अम्ल मैथिल एस्टर। ये बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है बायोडीजल का रासायनिक नाम क्या है, तो आप बताएंगे वसा अम्ल मैथिल एस्टर। बायोडीजल की खोज मैं आपको पहले बता चुका हूँ किसने की थी? रुडोल्फ डीजल ने। किसने की थी? रुडोल्फ डीजल ने। अब ऐसे कौन कौन से प्लांट्स हैं? आपको पहले बताया जा चुका है कि जो बायोडीजल है इट मींस वो प्लांट से प्राप्त हो रहा है। जैव ऊर्जा की बात कर रहे हैं, पूरे चैप्टर के अंदर जैव ऊर्जा ही प्राप्त की बात करेंगे, जो जैविक ऊर्जा है जैविक संसाधनों से हमें प्राप्त होती है, जैविक चीज़ों से हमें प्राप्त होती है। तो बायोडीजल प्लांट के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, तो रतन जोत, करंज, महुआ और अरंडी, ये ऐसे प्लांट्स हैं जो बायोडीजल प्लांट्स के नाम से जाने जाते हैं। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है बायोडीजल प्लांट कौन कौन से हैं, तो आप बताएंगे रतन जोत, करंज, महुआ और अरंडी। इसी तरह से कुछ पेट्रो प्लांट्स भी हैं जिनसे एक तरल पदार्थ निकलता है, उसका हम भविष्य में डीजल और पेट्रोल की तरह ही यूज करेंगे, तो उनको बोलते हैं हम पेट्रो प्लांट्स। तो कुछ फैमिली हैं, कुछ कुल हैं एपोसाइनेसी, यूफोरबेसी जिसके अंदर आंकड़ा आता है, आर्किटेसी, सेपोटेसी, कंपोजिटी, इस तरह के कुछ प्लांट्स हैं जिनको हम, जिनके कुछ कुल हैं जिनके प्लांट्स को हम पेट्रो प्लांट्स के नाम से जानते हैं। और अगर हम बात करें कुछ स्टार्च फसलें भी हैं जिनसे हमें स्टार्च प्राप्त होता है और फिर हम स्टार्च से ऊर्जा बनाते हैं, जैसे गन्ना है और चुकंदर है, ये स्टार्च फसलों के रूप में जाने जाते हैं। इसी के साथ साथ हमें सैवालिया हाइड्रोजन फैक्ट्री, जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा, उसके बारे में भी हमको ध्यान देना है। कुछ सैवाल ऐसे हैं, कुछ सैवालों के कुल ऐसे हैं, पूरा जो है वर्ग है सैवाल का उससे, उसमें कुछ सैवाल ऐसे पाए जाते हैं जिनसे हमें हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। वाटर के अंदर होता है सैवाल, प्लांट्स का फर्स्ट टाइप है, और जिससे हमें हाइड्रोजन, कई हो सकता है हर सैवाल के अंदर नहीं हो, लेकिन कुछ स्पेशल एल्गी ऐसे हैं, सैवाल ऐसे हैं जिनसे, जिनमें बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन गैस होती है और जिसका यूज हम बायोगैस के रूप में करते हैं, या गैस के रूप में करते हैं और जैव ऊर्जा कहलाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के अंदर कम्प्लीटली आपको मैंने बताया है जैव ऊर्जा के बारे में, जैव संसाधनों से या जैविक स्रोतों से प्राप्त होने वाली ऊर्जा के बारे में। एक बार हम दोबारा एक्सप्लेन करते हैं कंप्लीट चैप्टर को। तो कौन कौन से चीज़ें ऐसे हैं, कौन कौन से प्लांट्स के बारे में स्पेशली आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले मैं लिग्नोसेलुलोज प्लांट्स की बात करूंगा, यूकेलिप्टस, चीड़, मक्का, गन्ना और चुकंदर, ये ऐसे प्लांट्स हैं जिनको हम लिग्नोसेलुलोज प्लांट्स कहते हैं, और लिग्नोसेलुलोज से ही हम जैव ऊर्जा प्राप्त करते हैं। बायोडीजल को हम वसीय अम्लों का एस्टरीकरण करके प्राप्त करते हैं। रासायनिक नाम होता है बायोडीजल का वसा अम्ल मैथिल एस्टर। इसकी खोज रुडोल्फ डीजल ने की थी। रतनजोत, करंज और महुआ और अरंडी, इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बायोडीजल प्लांट्स के नाम से जाने जाते हैं। पेट्रो प्लांट्स एपोसाइनेसी, यूफोरबेसी, आर्किटेसी, सेपोटेसी, ये ऐसे कुल हैं, इनके प्लांट्स को हम पेट्रो प्लांट्स के नाम से जानते हैं और भविष्य में इनसे पेट्रो यानी पेट्रोल का निर्माण किया जाएगा। सैवालिया हाइड्रोजन फैक्ट्री, कुछ ऐसे सैवाल के बारे में हम बात करेंगे जिनसे हाइड्रोजन गैस प्राप्त हम करते हैं और वो जैव ऊर्जा के रूप में यूज की जाती है। कुछ स्टार्च फसलें ऐसी हैं जिनसे गन्ना, चुकंदर है, इनसे हम स्टार्च प्राप्त करते हैं और स्टार्च का मॉडिफिकेशन करके हम ऊर्जा का निर्माण करते हैं, वो जैव ऊर्जा कहलाती है। यानी ये सभी प्लांट्स के अंदर, इन सभी प्लांट्स के अंदर सारी की सारी जो ऊर्जा है वो जैविक ऊर्जा है, इसीलिए इस चैप्टर का नाम भी जैव ऊर्जा या बायो एनर्जी है। एक छोटी सी चीज़ रह गई जिसे हम बायोगैस कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? बायोगैस। तो बायोगैस को हम कम्प्लीटली इस चैप्टर के अंदर समझेंगे, जो लॉन्ग क्वेश्चंस के रूप में आपसे एग्जाम में पूछे जा सकती है।
बायोगैस, इसको हम गोबर गैस भी कहते हैं। गोबर गैस का मतलब ये गोबर से प्राप्त होती है, इसीलिए इसको हम गोबर गैस कहते हैं, क्योंकि जो गोबर होता है उसके अंदर मैथेनोजन बैक्टीरिया होते हैं, मैथेनोजन जीवाणु होते हैं जो गोबर गैस का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले हम गोबर गैस संयंत्र या बायोगैस संयंत्र के बारे में पढ़ेंगे। बायोगैस प्लांट ये किस तरह से वर्क करता है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसके अंदर चार टैंक होते हैं, फोर टैंक होते हैं। सबसे पहले एक जमीन से ऊपर एक टैंक होता है इस तरह से, जिसको हम स्लज टैंक कहते हैं या सिलरी टैंक कहते हैं, सिलरी टैंक। इसके अंदर एक इस तरह से लकड़ी या घुमाने के लिए ब्लोडक होता है, और इसके अंदर होता है गोबर प्लस पानी हम डालते हैं। इसका कनेक्शन एक पाइप के द्वारा दूसरे पाइप से होता है, दूसरे टैंक से होता है। जो टैंक जमीन के अंदर बनाया जाता है ये 12 से 15 फीट गहरा एक गड्ढा होता है। इसकी दीवारें सीमेंट व कंक्रीट से बनी होती हैं, पक्का टैंक होता है ये, जिसे हम डाइजेस्टर टैंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइजेस्टर टैंक। डाइजेस्टर टैंक के अंदर एक गोबर और पानी मिला हुआ इस तरह से आता है, और यहीं पर मीथेनोजन बैक्टीरिया या जीवाणु मीथेन गैस का निर्माण करते हैं। और इसके ऊपर यहाँ पर एक तीसरा टैंक होता है इस तरह से, ये उल्टा रहता है, जो धातु का बना हुआ होता है। इस तरह से एक तीसरा टैंक होता है, ये उल्टा है, जो किसका बना हुआ है? धातु का। इसको हम गैस होल्डर कहते हैं। क्या कहते हैं? गैस होल्डर, यानी इसमें डाइजेस्टर के अंदर गैस बनती रहती है और ये गैस होल्डर में इकट्ठी होती रहती है। बायोगैस के अंदर CH4 H2O H2 SO2 इस तरह की गैसेज होती है। सबसे ज़्यादा 75% H2 सबसे ज़्यादा 75% मात्रा होती है वो मेथेन गैस की होती है, CH4। और जो गैस होल्डर है इसका कनेक्शन एक पाइप के द्वारा घरों में होता है, ये घरों के लिए जा रहा है कनेक्शन। और जो डाइजेस्टर है इसका कनेक्शन एक पाइप के द्वारा एक चौथे टैंक में होता है, जिसे हम स्लज टैंक कहते हैं। इसके अंदर जो बचा हुआ गोबर है, जिससे गोबर गैस बन चुकी है, जिससे गोबर गैस का निर्माण हो चुका है, जो गोबर है वो इसके अंदर इकट्ठा होता रहता है। इसका यूज हम उर्वरक के रूप में करते हैं। किसके रूप में करते हैं? उर्वरक या खाद के रूप में करते हैं। तो ये जो डायग्राम मैंने बनाया है ये है बायोगैस। बायोगैस एक बार मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। बायोगैस प्लांट्स स्पेशली भारत के अंदर हैं, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ पर काफ़ी मात्रा में जो किसान लोग हैं वो भैंस, गाय, भैंस, भेड़, बकरी इस तरह के जानवरों को पालते हैं, जिनसे वो बायोगैस प्राप्त करते हैं। बायोगैस के अंदर चार प्लांट हैं। नंबर एक टैंक हैं, नंबर एक सिलरी टैंक, नंबर दो डाइजेस्टर टैंक, नंबर तीन गैस होल्डर और नंबर चार स्लज टैंक। अब हम एक एक टैंक को एक्सप्लेन करते जाएंगे। सबसे पहले हम बायोगैस की बात करेंगे। तो बायोगैस को अन्य किस नाम से जानते हैं? गोबर गैस के नाम से। ये कौन से बैक्टीरिया से प्राप्त होती है? मीथेनोजन। इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा होती है मीथेन गैस की, 74%। अब हम बात करेंगे जो सिलरी टैंक है उसमें क्या होता है। इसमें एक ब्लोडक लगा होता है और समय समय पर हम इसमें गोबर और पानी डालते रहते हैं। इसका कनेक्शन एक पाइप के द्वारा किसमें होता है? डाइजेस्टर टैंक में होता है। ये सीमेंट और कंक्रीट का बना होता है, ईंटों का, सीमेंट और कंक्रीट और ईंटों का बना होता बना हुआ पक्का टैंक होता है, जो 10 से 15 फीट गहरा होता है। इसके अंदर ये गोबर और पानी आता है, जिसके अंदर मीथेनोजन बैक्टीरिया हैं और ये गैस बनाते हैं। ये गैस किस में इकट्ठी होती रहती है? गैस होल्डर में। और ये गैस होल्डर यहाँ एयर टाइट होता है, वायुरोधी होता है। कैसा होता है? वायुरोधी। अगर वायुरोधी नहीं होगा तो इसमें से गैस लीक होती रहेगी, लेकिन ये वायुरोधी होता है इसलिए गैस लीक नहीं होती है। और इस गैस को इसमें स्टोर कर लेते हैं हम लोग और इसका यूज घरों में होते हैं। लेकिन डाइजेस्टर टैंक का एक कनेक्शन एक पाइप के द्वारा स्लज टैंक में भी होता है, जिसमें गोबर
और पानी जो डाइजेस्टर के अंदर इकट्ठा था उससे गैस बनने के बाद जो गोबर बचा हुआ है उसका यूज हम उर्वरक के रूप में या खाद के रूप में करते हैं, तो वो इसमें इकट्ठा होता रहता है। जैसे जैसे गैस का यूज हम करते जाएंगे वैसे वैसे ये जो गैस होल्डर है वो नीचे की ओर खिसकता जाएगा। तो हम पता लगा सकते हैं, जैसे ये नीचे आएगा तो हम पता लगा सकते हैं कि अब इस प्लांट्स के अंदर गैस खत्म हो चुकी है, और जैसे इसमें फिर इसमें गोबर पानी डालेंगे और इसमें तेज़ी से गैस बनेगी तो एक जो गैस होल्डर है वो ऊपर की तरफ उठता जाएगा, तो हम पता लगा सकते हैं इसके अंदर गैस है। तो इस तरह का जो यंत्र है उसे हम बायोगैस प्लांट कहते हैं या बायोगैस संयंत्र कहते हैं। इससे काफ़ी मात्रा में हमें जैव ऊर्जा प्राप्त होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही छोटा सा चैप्टर था जिसके मोस्टली टॉपिक्स को मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक इसमें ज़्यादा नहीं था, सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक था बायोगैस, इसका एक डायग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है आपको, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन इसमें आ सकता है। बाकी छोटे छोटे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। एक बार मैं दोबारा से रिवर्स कर देता हूँ कि इस चैप्टर में से किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। सबसे पहले हमने बात करी थी नवीकरणीय और अनवीकरणीय स्रोत के बारे में, उनकी डेफिनेशन और कौन कौन से ऐसे स्रोत हैं जो नवीकरणीय और अनवीकरणीय स्रोत कहलाते हैं, इस पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो पूछा जा सकता है लिग्नोसेल्युलोज पादप कौन कौन से हैं। गन्ना, चुकंदर, इनके बारे में आपको बताया गया था, उन्हें हम लिग्नोसेल्युलोज प्लांट्स कहते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है इंपॉर्टेंट, वो है बायोडीजल से आप क्या समझते हैं, रासायनिक नाम बायोडीजल का क्या होता है, बायोडीजल कैसे प्राप्त करते हैं, वसीय अम्लों के एस्टरीकरण से जो तरल पदार्थ प्राप्त होता है उसे हम बायोडीजल कहते हैं, जिसकी खोज रुडोल्फ डीजल ने की थी। आने वाले समय में या भविष्य में हम डीजल के रूप में इस तरह के प्लांट्स का, डीजल प्राप्त करने के लिए इस तरह के प्लांट्स का यूज करेंगे। पेट्रो प्लांट्स के बारे में आपसे पूछ सकता है एपोसाइनेसी कंपोजिटी यूफोरबियसी, ऐसे कुल हैं, इन कुल के पादपों से हम पेट्रो पदार्थ प्राप्त करेंगे, इसीलिए इनको हम पेट्रो प्लांट्स कहते हैं। उसके बाद मैंने आपको स्टार्च फसलों के बारे में बताया, जैसे गन्ना है, चुकंदर है, ये ऐसी फसलें हैं, मक्का है, ऐसी फसलें हैं जिन्हें हम स्टार्च फसलें कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर स्टार्च की मात्रा बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। और लास्ट मैंने बताया आपको हाइड्रोजन शैवालीय हाइड्रोजन फैक्ट्री, यानी शैवालों से कुछ ऐसे शैवाल हैं जिनसे बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन गैस हमें प्राप्त होती है, और हाइड्रोजन गैस का हम जैव ऊर्जा के रूप में यूज करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये लास्ट चैप्टर था बॉटनी का, 20 चैप्टर मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि आपके बायोलॉजी के अंदर 42 चैप्टर्स हैं, जिनमें से 20 चैप्टर्स हैं वो वनस्पति विज्ञान के हैं, और 21 से लेकर के और 42 तक आपके जंतु विज्ञान या जूलॉजी के चैप्टर्स हैं। तो लगभग कम्प्लीटली चैप्टर्स हम, यानी बॉटनी का जो पोर्सन है 20 चैप्टर्स का, वो हम कम्प्लीट कर चुके हैं। रिविज़न क्लास में आपको एक एक चैप्टर से आपको दोबारा स्टार्ट करवाया जाएगा, रिविज़न क्लास होगी तो आपको एक एक चैप्टर को दोबारा से एक्सप्लेन करेंगे। लिखने का काम आप मोस्टली स्टूडेंट्स कर रहे हैं, तो इस चैप्टर को भी हमने आज खत्म कर दिया, जिसका वर्क आपको 2 क्लासेस के अंदर करना है। आज मैं फर्स्ट जो टॉपिक्स हैं उनका वर्क आपको PDF फाइल के अंदर सेंड करूंगा, एंड देन नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको नेक्स्ट वर्क को सेंड कर दिया जाएगा, और इस वीडियो को मैं आपके जो है ऐप पर सेंड करूंगा, जिसमें से आप अपने टॉपिक्स को क्लियर करेंगे, और एक PDF फाइल में जितने भी टॉपिक्स दे रखे हैं उनको आप इस वीडियो के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था, चैप्टर नंबर 20, जैव ऊर्जा या बायो एनर्जी। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जूलॉजी स्टार्ट करेंगे, और जूलॉजी में हो सकता है मैं अब आपको सबसे पहले जेनेटिक्स वाला पोर्शन पढ़ाऊं, क्योंकि वो बहुत ही इंटरेस्टेड भी है। जेनेटिक्स आप 10th क्लास में, 8th क्लास में, 9th क्लास में शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं, आनुवंशिकी विज्ञान की जहाँ से स्टार्ट होती है, तो हम मेंडल के बारे में स्टार्ट कर देते हैं। और 10वीं क्लास में आपने चैप्टर नंबर जो NCERT सिलेबस न्यू में पढ़ा है, आपने 10वीं क्लास के अंदर आपने चैप्टर नंबर 3 जेनेटिक्स के बारे में कम्प्लीटली पढ़ा है, तो वो चैप्टर आपको इजी से समझ में आएंगे। तो हम चैप्टर नंबर 31, 32, 33, 34, 35 ये 5 चैप्टर हैं आनुवंशिकी के, इनको स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। इट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स।